देश भर में सोमवार और कल यानी 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसका असर अलग अलग हिस्सों में देखने को भी मिला। राजधानी दिल्ली में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिला। एक और जहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मजदूर वर्ग के लोग सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। यह तस्वीर है दिल्ली के बादली इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां मजदूर वर्ग के लोग विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी कामगारों का कहना है कि सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों से साबित करने पर आमादा है कि उसे देश के मजदूर वर्ग के हित से कोई सरोकार नहीं है। आज पूरे देश के अंदर देश की 12 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज भारत बंद की कोर बुलाई गई है। इसके अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए जो चार श्रम लेबर कोड जो लेकर केंद्र सरकार आई है, उसका पुरजोर पूरे देश के कोने कोने में मजदूर विरोध कर रहे हैं। वो जो बिल है, इतना खतरनाक बिल है, मजदूरों को बधुआ बनाने का बिल है, मजदूरों को गुलाम बनाने का बिल है। उस बिल के लागू होने के बाद मजदूरों का परमानेंट नौकरी का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, मजदूरों का जो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, मजदूरों का ESI PF न्यूनतम वेतन, और इतना ही नहीं, मजदूरों का जो सबसे बड़ा हथियार था, जो हड़ताल करने का अधिकार था, जिसके चलते मालिक ऐसे कांपते थे जैसे हवा में पत्ता, आज उस हड़ताल के अधिकार पे भी केंद्र सरकार, जो निकम्मी बैठी जो सरकार है, उस पर भी पाबंदी लगा रही है। ताकि दिल्ली के बादली इंडस्ट्रियल एरिया में इस भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अधिकतर फैक्ट्री संचालकों ने अपनी फैक्ट्री को चालू रखा और रोजाना की तरह ही इन फैक्ट्री में कामकाज जारी रहा। वहीं दूसरी ओर बादली इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट एसोसिएशन ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का खामियाजा मजदूरों और उद्योगपतियों को ही भुगतना पड़ता है। उस पर कुर्रा ये कि एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। अधिकतर लोगों ने कहा कि सरकार के निजीकरण के फैसले का असर फैक्ट्री संचालकों और मजदूरों पर नहीं होगा, लिहाजा मजदूर यूनियन का यह विरोध प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लिहाजा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए तो अच्छा रहेगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम भी दुरुस्त दिखाई दिए। इस बात पे एकत्रित हुए हैं कि हमें सूचना मिली पिछले हफ्ते कि यहाँ पे जो लेबर यूनियंस काम कर रही हैं, उन्होंने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है और उन्होंने एक हमें धमकी भरा पत्र भेजा है कि फैक्ट्री मालिकों को आगाह करने की कोशिश की गई है उसके द्वारा कि आप लोग इन 2 दिनों में 28 और 29 मार्च को अपनी फैक्ट्री बंद रखिए। अगर आपने फैक्ट्री चलाने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिकों की होगी, ऐसा करके उन्होंने हमें पत्र लिखा। इसके उपरांत हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि उनकी मांगें क्या हैं, तो हमने देखा कि उनकी किसी भी मांग से हमारे फैक्ट्रियों के मालिकों का कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं वो केंद्र या राज्य की सरकारों से है, जिसमें फैक्ट्री मालिकों का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन है मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, इसी विजन को आगे लेते हुए हम सारे लघु उद्योगपति इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हम बेटर से बेटर प्रोडक्ट्स बनाएं, अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें, और यही जो ये हमारे कानून है, लेबर कानून, और ये लेबर की जो प्रॉब्लम है, इसके चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। साथ ही साथ कुछ जो ये असामाजिक तत्व और उपद्रवी हैं, ये बार बार बंद का नारा लगा के फैक्ट्री को चलाने में विलंब पैदा करते हैं। साथ ही साथ कोरोना से बाहर निकले जितने भी छोटे और मीडियम साइज के लघु उद्योगपति हैं, बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं, और उन्होंने खाली बिठाकर भी कोरोना के समय में वेतन दिए हैं। फिर भी अगर ये भारत बंद फैक्ट्रियां बंद करेंगे तो इसमें सब नुकसान सबका है, देश का है, अर्थव्यवस्था का है, यहाँ तक कि लेबर का भी, बिकॉज लेबर का भी जो रोजी भत्ता है, रोजी रोटी है, घर इन्हीं फैक्ट्रियों चलता है। तो इस भारत बंद के हड़ताल के काल, मैं कहूँगा काले दिन में, ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि देश भर में 2 दिन यानी कि 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। तमाम मजदूर यूनियन द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि राजधानी दिल्ली में इस भारत बंद का मिला जुला असर ही देखने को मिला, लिहाजा अब देखना लाजमी होगा कि इस 2 दिन के भारत बंद के बाद कामगार यूनियन का अगला कदम क्या होने वाला है।
दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।